दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 17 जून की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री पास के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर निकला है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 5 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 17 जून की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी HQ इन्फेंट्री स्कूल में। जी हाँ दोस्तों, बात अगर यहाँ पर पोस्ट की जाए तो पोस्ट है इसमें ड्राफ्ट्समैन, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, सिविलियन मोटर ड्राइवर, कुक, ट्रांसलेटर और भी पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर बार्बर, आर्टिस्ट और मॉडल मेकर की। बात अगर यहाँ पर इसमें वैकेंसी डिटेल की जाए तो टोटल इसके लिए यहाँ पर 101 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 जुलाई 2022 है। सेली ड्राफ्टमैन स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 25,500 से 81,100 है। लोअर डिवीजन क्लर्क, सिविलियन मोटर ड्राइवर और कुक ट्रांसलेटर के लिए 19,900 से 63,200 है। बार्बर, आर्टिस्ट और मॉडल मेकर के लिए 18,000 से 56,900 है। बात अगर यहाँ पर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो स्टेनोग्राफर ट्रांसलेटर LDC के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बाकी की पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट लोअर डिवीजन क्लर्क, ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, बार्बर और कुक के लिए 18 से 25 वर्ष है। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, आर्टिस्ट और मॉडल मेकर और ड्राफ्टमैन के लिए 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। बात अगर यहाँ पर इसमें एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस 50 रुपये है। ST PWD EX सर्विसमैन को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी, जो कि आप क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO और डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के आधार पे। ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। MP जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। indianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 2nd नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में। गुजरात लोक सेवा आयोग GPSC के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। बात अगर इसमें पोस्ट की जाए तो पोस्ट है इसमें TB एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, वोमेन एंड चाइल्ड ऑफिसर या डिप्टी डायरेक्टर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर या प्रिंसिपल, असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर ग्रेड 1, रिसर्च ऑफिसर और जियोलॉजिस्ट की। 215 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए 15 जून 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 30 जून 2022 है। प्री एग्जाम की डेट 11, 18 और 25 सितंबर 2022 है अलग अलग पोस्ट के लिए। इंटरव्यू की डेट फरवरी या मार्च 2023 में है। बात अगर सैलरी की जाए तो TB और चेस्ट स्पेशलिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के लिए 67,700 से 208,700 है। वुमेन एंड चाइल्ड ऑफिसर या डिप्टी डायरेक्टर के लिए 15,600 से 39,100 है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफिसर के लिए 44,900 है। नर्सिंग ऑफिसर या प्रिंसिपल और जियोलॉजिस्ट के लिए 53,100 से 167,800 है। मैनेजर ग्रेड 1, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 9,300 से 34,800 है। रिसर्च ऑफिसर के लिए 67,700 से 208,700 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो डिग्री, PG डिग्री और डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है सभी कैटेगरी के लिए। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है gpsc.gujarat.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 3rd नंबर पर जॉब निकली है
वो निकली है द साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड में। बिजली विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। सब इंजीनियर की पोस्ट है। 201 वैकेंसी जहाँ पर इसके लिए निकली है। डेट की बात की जाए तो इसके लिए भी आवेदन प्रक्रिया 15 जून 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 5 जुलाई 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 5 जुलाई 2022 है। एग्जामिनेशन की डेट 31 जुलाई 2022 है। सैलरी 42,205 से 88,665 है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 44 वर्ष इसके लिए एज लिमिट है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस ऑल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये है। एग्जामिनेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 120 है। SC ST BC को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है, ऑफिशियल पोर्टल है thsouthernpower.cgg.gov.in, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 4th नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। HAL के अंतर्गत ये भर्ती है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। बात अगर डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए भी 15 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 30 जून 2022 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 10th ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट के आधार पे इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लखनऊ UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। HAL-India.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। BEL के अंतर्गत ये भर्ती है। प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट है। वैकेंसी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। इस भर्ती के लिए भी आवेदन प्रक्रिया 15 जून 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 29 जून 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 29 जून 2022 है। सैलरी 40,000 रुपये प्रति माह के लिए। BBTech इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 32 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस UREWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 472 रुपये है। SC ST PWD को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। स्टेट बैंक क्लर्क के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पंचकुला हरियाणा जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। BL-India.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 17 जून 2022 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अब भी इन भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।